ये क्या हो रहा है इस घर में? वही हो रहा है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था काकी। माते, ये दृश्य हमसे देखा नहीं जा रहा। ये वही है जो तुम्हें तुम्हारे पति तक पहुंचाएंगे। तो जल्दी चलिए ना। जितनी जल्दी तुम्हें वहां जाने की है उतनी ही जल्दी हमें तुम्हें वहां ले जाने की है। क्रांति माँ, इसकी आंखों पर पट्टी बंधवा दीजिए। पट्टी लेकर आओ। अरे आ गए आप लोग। कैसी है हमारी बच्ची? क्या कहा डॉक्टर ने, ठीक है ना? बड़ी अच्छी तरह से इसकी जांच की लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वो कह रहा था कि बिना एक्सीडेंट के या बिना चोट के इस तरह किसी की याददाश्त नहीं जा सकती। ऐसे कैसे हो गया हमें समझ नहीं आ रहा। माते, पौलमिका की स्मृति वापस लाना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि संतोषी उस महिला के साथ मायावी दुनिया में प्रवेश करने जा रही है। पौलमिका ही उसके और हमारे मध्य संपर्क सेतु बन सकती है, इसलिए कुछ करिए माते। हम कुछ करते हैं गौ माता। माँ, डॉक्टर ने ये मेडिसिन्स दी है पौलमिका को देने के लिए। हे पापा, ये क्या हो गया हमारी बच्ची को? किसकी नजर लग गई? हाँ, ये तो वही गांव है यहाँ से धैर्य सर गायब हुए थे, पर ये गांव तो दोबारा हमें कभी नहीं दिखा। चलो आ जाओ, मिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारे पति देव से। संतोषी नहीं, वो यहां कैसे आ सकती? संतोषी तुम आ गए। पागल हो गए थे मैं आपके बिना। मैंने भी देखा संतोष, कैसे तुम पापा मुझे ढूंढ रहे। संतोषी मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं कैसे फंस गया यहाँ पे। तो मैं तो फंस गया था ना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कितना ढूंढा आपको, पागल हो जाते हैं आपके बिना। आपको पता है घर में आप कितना सब परेशान, क्या हालत हो गई आपकी मेरी सर। और कोई बात नहीं, हम आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। क्रांति माँ, हमारा दूसरा पड़ाव पूरा हो चुका है, अब इन दोनों की आहुति देने की
तैयारी करनी होगी। संतोषी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। क्रांति माँ ने धोखा किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें जानबूझकर यहां लेके आई। वो हम दोनों को मार देना चाहती। कोई बात नहीं, अपनी के फेरे लेते वक्त यही तो कसम खाई थी। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। आपके साथ अगर हमें मौत भी मिली ना, तो हमें खुशी खुशी मंजूर है। आपके बिना जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम आपके साथ मर जाए। सुदर्शन जाओ। क्रांति माँ, आपको इन दोनों की आहुति की तैयारी करनी चाहिए। संतोषी, अगर आज मुझे कुछ हो गया ना, तो उससे पहले मैं तुमसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिली, और अगले हर जन्म में मैं यही चाहूंगा कि हर बार तुम पत्नी के रूप में मेरी जिंदगी में होगी। बस बंद करो ये प्यार मोहब्बत की बातें, और अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। ले जाओ इन्हें, और आहुति के स्थान के पास वाली कोठरी में बंद कर दो, और आहुति की तैयारी शुरू करो। चलो संतोषी। ठीक है संतोषी। अरे चलो, माता ने बोल दिया ना, तुम्हारा फैसला हो चुका है। अब चलो चलो संतोषी। अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के पश्चात भी मुझे अंदर की गतिविधि नहीं दिख रही। अभी तक ना वो स्त्री बाहर आई और ना ही संतोषी। कहीं ऐसा तो नहीं कि संतोषी को इस मायावी दुनिया में भेजकर मैंने कोई अनुचित कार्य कर दिया हो। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस समय शीघ्र ही मां संतोषी से संपर्क साधना होगा। श्री संतोषी देव्य नमः। श्री संतोषी देव्य नमः। श्री संतोषी देव्य नमः। प्रतीत होता है कुंभक हमसे संपर्क साधना चाहता है। माते, कोई अशुभ समाचार तो नहीं है? मां संतोषी, क्षमा चाहता हूं, मुझसे एक भूल हो गई है। कल आपकी भक्त की दुर्दशा देखकर मैंने उसे क्रांति मां के साथ अंदर भेज दिया था, ताकि वो अपने पति से मिल सके। पर अब तक वो बाहर नहीं आई, और ना ही उसके बारे में कुछ ज्ञात कर पा रहा हूं। ये अत्यधिक गंभीर समस्या है कुंभक। हम तीनों देवियों और देवराज से मंथना करने जा रहे हैं, तब तक आप संतोषी के बारे में ज्ञात करिए। जो आज्ञा माते।
लो, एक आखिरी बार भोजन का आनंद ले लो। संतोषी माँ का प्रसाद लीजिए। देखना, संतोषी माँ के प्रसाद से आप दो दिन में ठीक हो जाएंगे। अरे शर्मिली बहू, जब बड़े बड़े डॉक्टर और छोटा हनुमान हमें ठीक नहीं कर सके तो ये तुम्हारा संतोषी माता का प्रसाद क्या ठीक करेगा? भाई जी, विश्वास से तो भगवान भी मिल जाते, तो अच्छी सेहत क्या चीज। चलो अब तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेते हैं। संतोषी, शायद ये हमारा आखिरी वक्त। पर फिक्र भी हो रही है, हमारे जाने के बाद पौलमिका, राशि, माँ पापा का क्या होगा? इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत और उम्मीद होती है। बचपन का वो पाठ याद है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में उम्मीद जिंदा है तो सब ठीक हो जाएगा। किताबी बात है, कैसे उम्मीद पाल लूं मैं मन में, हां जब पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो संतोषी, मैंने तुमको जिंदगी में बहुत दुख दिए, हमेशा लड़ता रहा ना, और आज मेरी वजह से तुम्हारी तेरी जान भी खतरे में। कैसी बात कर रहा है? आपको शायद हमने कभी बताया नहीं, पर ये सच है। हमारी मांग में सिंदूर भरकर आपने हमें जो पत्नी होने का हक दिया है ना, वो हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण। और ये जो इस हालत में हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़े हिम्मत की बात है। और धैर्य सर, दुनिया की कोई भी परेशानी ऐसी नहीं जिसका हल ना निकाला जा सके। इधर देखिए मेरी तरफ, अगर आपको प्यार करने वाला, आप पर विश्वास करने वाला, आपका साथ देने वाला आपके साथ होना, तो दुनिया की कोई भी जंग जीती जा सकती है। धैर्य सर, जिस दरवाजे से हम यहाँ आए हैं वो दरवाजा खुलता भी तो होगा, बस हमें वो रास्ता खोजना है। वो रास्ता मिल गया तो सारी परेशानी का हल मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा ये रास्ता, कैसे ढूंढेंगे हम ये रास्ता, बताओ? क्या ये हमारी आस्था की जमा पूंजी? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। ये बीज तुम ले जाओ पुत्री, इसे किसी उचित स्थान पर बो देना। इससे जो शाखाएं निकलेंगी वो तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता बताएंगी। हमें उन तपस्वी बाबा पे बहुत भरोसा है, हम जानते हैं कि ये बीज हमारी रक्षा जरूर करेगा। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा। देखो संतोषी, अगर तुम्हें इन बाबा पे भरोसा है तो मुझे तुम पे भरोसा है, ठीक है? चलो जल्दी से। कहाँ जाने की जल्दी है तुम दोनों को?
आपसे मिलने की जल्दी थी क्रांति माँ, बस हम वही बात कर रहे थे कि जल्द से जल्द हमें आपसे मिलकर आपको धन्यवाद कहना चाहिए, आपकी वजह से हम धैर्य सर से मिल पाए। वही बात कर रहे थे कि जल्दी आपसे मिले। क्रांति माँ, जैसे आपने हमें धैर्य सर से मिलवा दिया है, बस जल्दी से हमें यहाँ से मुक्त करवा दीजिए। मुक्ति तो तुम्हें जरूर मिलेगी। फिलहाल जैसा हम कहते हैं वैसा करो जी, ये भोजन ग्रहण करो, ठीक है? हे माँ, शुक्र है उन्होंने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। अब बस जल्दी से इस बीज को बोते हैं कहीं। लेकिन किधर ये तो पूरी सीमेंटेड जगह है, पथरीली है, यहाँ कैसे बीज बोएंगे हम? लेकिन दीवार में शायद कहीं कोई कोना बचा हो जहाँ मिट्टी हो। आप उधर देखिए, हम इधर देखते। कल आपकी भक्त की दुर्दशा देखकर मैंने उसे क्रांति माँ के साथ अंदर भेज दिया था ताकि वो अपने पति से मिल सके, पर अब तक वो बाहर नहीं आई और ना ही उसके बारे में कुछ ज्ञात कर पा रहा हूँ। देवी, परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने अपना एक दूत असुरराज के पास भेजा था ताकि कोई ना कोई हल निकल सके, किंतु किंतु क्या देवराज? किंतु असुरराज उस समय अपने विस्तारित क्षेत्र में गए हुए थे। दूत ने उस क्षेत्र में जाने का भी प्रयास किया किंतु उसे कोई मार्ग नहीं मिला। तो क्या अब कोई उपाय नहीं है हमारे पास? देवी, असुरराज की प्रतीक्षा के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जिस मायावी दुनिया में आप स्वयं नहीं पहुंच सकते, वहां आपका दूत कैसे प्रवेश कर पाएगा? देवी संतोषी, आप अपने प्रिय भक्त और उसके पति की मृत्यु की प्रतीक्षा कीजिए। यह आप किस प्रकार का षड्यंत्र रच रही हैं देवी? आपके द्वेष की इस भावना के कारण धरती लोक के दो मनुष्यों का जीवन संकट में है। उनकी मृत्यु ही हमारा लक्ष्य है देवेश, किंतु आप व्याकुल ना हो। आपके सिंहासन पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा, अपितु यदि हम सफल हुए तो आपको असुरी शक्तियों का समर्थन भी मिल जाएगा और आप अनंत काल तक देवराज भी बने रहेंगे। अपने पद को बनाए रखने का यह मार्ग उचित नहीं है देवी। आपके विचार हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते देवेश। स्मरण रहे देवेश, यदि आपने हमारे लक्ष्य के मध्य आने की चेष्टा भी की तो हम आपका भेद खोल देंगे। हम ब्रह्मदेव को बता देंगे कि आप वही पहले वाले इंद्रदेव हैं। इस समय आप केवल सत्ता का आनंद लीजिए और हमें हमारा कार्य करने दीजिए। संतोषी। हाँ इधर आना। मिट्टी के लिए इधर, वहां बीज बो सकते हैं, पर जाएंगे कैसे? इसका कुछ हो सकता है। अच्छा, आराम से। तुम एक काम करो, तुम दरवाजे पे नजर रखो, मैं जाके आता हूं। ठीक है।
संतोषी बीज देना। उसके ऊपर पानी डालना होगा। अगर गुस्से में मैंने पानी नहीं फेंका होता ना तो अभी काम आ जाता हमारे। अगर बीच के लिए पानी नहीं मिला तो बाहर निकला नामुमकिन है।